दुनिया के सारे सुख अधूरे हैं अगर उन्हें बांटने के लिए, उन्हें साझा करने के लिए अपना कहने को कोई ना हो। खास तौर पर बच्चों की कमी तो इंसान की जिंदगी को पूरी तरह खोखला कर देती है। प्रकृति का नियम है कि एक समय आने पर हमें बच्चों की बेहद जरूरत होती है। बच्चे जो नन्हे फूल होते हैं, बच्चे जो उम्मीद हैं हमारे आने वाले कल की, बच्चे जो तनाव कम कर देते हैं अपनी मीठी मीठी बातों और किलकारियों से। आज समाज में ऐसे अनेक शादीशुदा जोड़े हैं जो तमाम कोशिशों के बावजूद भी संतान का सुख औलाद की खुशी से महरूम है। परेशान न हो, क्योंकि अब विज्ञान की नई नई खोजों से कठिन बांझपन की समस्या का समाधान किया जा सकता है। Infertility has increased a lot in society, but nobody wants to talk about it. It has increased a lot due to increased maternal age and increased stress in the society, but it is a myth, it is a big stigma. Nobody just wants to talk about it. Everybody feels that if we say that we are infertile, then everybody is going to look down upon us. But you should come out of your houses and talk about it. You should take a pledge to remove infertility. The sooner you come to us, the more fast you'll get the treatment. Because as age advances, your egg reserve, your sperm reserve, your uterus condition, all things deteriorates. Plus the female, she has to carry the child for 9 months. And in those 9 months, if her age is more, then she'll have a lot more of medical disorders during pregnancy, which will ultimately lead to the fetal loss. So let's take a pledge for all of us to come out of our houses and say yes, we'll beat infertility and let's fight infertility. IVF ये एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत स्त्री को हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाकर अल्ट्रासाउंड द्वारा अंडों का विकास देखा जाता है और फिर ऑपरेशन द्वारा बड़ी ही सावधानी से इन्हें निकाला जाता है। जबकि IVF में अंडाणुओं तथा शुक्राणुओं का निषेचन करने के बाद भ्रूण महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। IVF के द्वारा उनके खुद का बच्चा हो सकता है, जिसकी जीन्स उनकी ही होगी, उसका DNA उस बच्चे का उनका खुद का होगा, वो अडॉप्टेड बेबी नहीं होगा। सब पेशेंट को ये स्ट्रेस रहता है कि वो बच्चा उनका खुद का नहीं होगा अगर वो IVF कराएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप ही के शुक्राणु और आप ही के अंडों का प्रयोग होता है। IVF के द्वारा हर पेशेंट को मातृत्व का सुख प्राप्त हो सकता है, उनके ऊपर वो जो टैबू है वो हट सकता है, लोग उनको लुक डाउन करते हैं सोसाइटी में, वो खत्म हो सकती है। यहाँ पे अब साइंस की मदद से सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे हम खुद आपके बच्चे करके आपको दे सकते हैं। IVF में सक्सेस रेट 40-50% होता है। अगर हम डोनर्स से जाते हैं तो 60-70% हो जाता है, पर जब टेक होम बेबी रेट मींस जो आप बच्चा घर ले जाते हो, दैट इज ओनली 30-40%। सो IVF इज नॉट अ टैबू, इट्स नॉट अ स्टिग्मा। एंड इनफर्टिलिटी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको फाइट कर सकते हैं एंड उसको जड़ से निकाल सकते हैं एंड आपको मदरहुड का सुख दे सकते हैं, पेरेंटहुड का सुख दे सकते हैं। सो लेट्स टेक अ प्लेज टू फाइट इनफर्टिलिटी एंड जस्ट मूव एंड एंजॉय योर मदरहुड।